हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, आज मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जैना वेंटिलेटर एंड उसके फंक्शंस के रिगार्डिंग। ओके, इस वेंटिलेटर की जो कनेक्शन ऑक्सीजन पॉइंट है उसे कनेक्ट किया हुआ है एंड इसका पीछे की साइड से ये ऑन ऑफ बटन है। अब आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे मोड्स दिए हुए वेंटिलेटर्स के, PACV, VACV, PSIMV प्लस PS, VSIMV प्लस PS, PSV, CPAP, PRVC, PCAPRV, HFNO, हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन, जो कि कोविड के दौरान हम पेशेंट्स को देते थे, ठीक है, एंड BiPAP मोड, ठीक है, जिसके लिए अलग से सर्किट आता है। ध्यान दीजिएगा कि हमें जब भी पेशेंट को BiPAP मोड पे देना होता है तो उस कंडीशन में, जैसे यहाँ पे ये ड्यूअल लिम्ब दिया हुआ है, यानी डबल ल्यूमेन के पाइप्स, डुअल पाइप का सर्किट है वो जा रहा है, तो वहाँ पे सिंगल सर्किट जाएगा। ओके, और सिंगल सर्किट से हम यहाँ से BiPAP से पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे BiPAP मोड पे, ठीक है। अब हमें पेशेंट को जब भी कोई भी मोड चूज़ करना हो, ठीक है, तो इसके दौरान रेस्पिरेटरी रेट है वो यहाँ पे आएगा एंड उसके जो भी पेशेंट को वैल्यू हमें सेट करना हो, प्रेशर फ्लो असिस्ट करना हो, ऑफ ऑन, वो यहाँ से हम देखते, ठीक है। एंड इसके अलावा FiO2, फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन का लेवल, IE रेशियो, आई ट्रिग एंड पीप, ओके, इसको भी जैसे सेट करना हो तो ये यहाँ पे आएगा, PC मैक्सिमम एंड टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी फ्लो, ठीक है, इन्वेजिव नॉन इन्वेजिव मोड है सेट करना है, ठीक है। अब ये मोड आपको सिलेक्ट करना है या कंफर्म नहीं करना है, ठीक है, कैंसिल कंफर्म दोनों ऑप्शन दिए हुए, ठीक है। अगर पीछे आना बैक तो आप बैक भी आ सकते हो यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से चूज़ करने के बाद में। एंड इसके अलावा अगर आपको वेंटिलेटर को यूज़ नहीं लेना है तो ये ऑन ऑफ का बटन से आप ऑन ऑफ पे भी जा सकते हो, ठीक है। अब जैसे अगर कन्फर्म करना है तो कन्फर्म, यानी अगर आपको यूज़ में लेना है वेंटिलेटर तो कन्फर्म करेंगे, ये इस तरीके से फ्लो आएगा, ठीक है। अब जैसे ऑक्सीजन देना है आपको, पेशेंट को वेंटिलेटर पे लेना है, मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करना है, तो ये आप देख सकते हो ये जो नीचे वॉल्यूम्स है ये हम अपने मशीन के अंदर सेट कर रहे हैं, यानी ये पेशेंट की वेंटिलेटर से सर्विस प्रोवाइड करनी है, पेशेंट को असिस्टेंस देनी है मैकेनिकल वेंटिलेशन, ठीक है, प्रोवाइड करना है, FiO2 लेवल सेट करना है, ये VT, रेस्पिरेटरी रेट, जैसे कि यहाँ पे कंफर्म करना है, नहीं करना है तो कैंसिल करेंगे, IE रेशियो है, IE ट्रिग है, ठीक है। एंड यहाँ पे पेशेंट की बॉडी के अंदर हमारे जो वेंटिलेटर्स की जो सेटिंग्स आ रही है वो सेटिंग्स बॉडी के अंदर कितनी, मतलब ना, मतलब फ्लो पे कितने पैरामीटर्स पे वेंटिलेटर है बॉडी के अंदर प्रोवाइड कर रहा है ना, एज एन आर्टिफिशियल लंग, PIP, VT, एंड टाइडल वॉल्यूम जिसे कहते हैं, पीप हो गया, रेस्पिरेटरी रेट हो गया, FiO2, ये यहाँ से हेड कर रहा है। अब जैसे अभी पेशेंट यहाँ से कनेक्टेड नहीं है वेंटिलेटर सर्किट से, तो ये पेशेंट डिसकनेक्टेड शो हो रहा है। एंड जैसा कि आप देख सकते हो ये इसके अंदर वेंटिलेटर्स की सेट ट्यूबिंग्स है, ठीक है, ये डबल ल्यूमेन है, डबल ल्यूमेन के साथ में यहाँ से प्रेशर एंड फ्लो को सेट डिनोट करने के लिए ये ब्लू एंड वाइट कलर की ट्यूबिंग दी हुई है एंड ये कनेक्शन पॉइंट है, ठीक है, जहाँ से ये देख सकते हैं आप प्रेशर एंड फ्लो के छोटे छोटे पॉइंट्स है, ट्यूब्स है, वो कनेक्टेड है इनके साथ में, ओके, एंड ये कनेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है, यानी इसको जो है हम पेशेंट को कनेक्ट करते हैं, इसको कनेक्ट करने के ईटी ट्यूब से कनेक्ट कर डायरेक्ट भी कर सकते हैं एंड इसको कनेक्ट करने के लिए एक टी माउंट डिवाइस भी आता है, ठीक है, वो भी मैं आपको पिक्चर शेयर कर दूँगा कम्युनिटी पेज पर, ओके। तो इस तरीके से ये वेंटिलेटर को कनेक्ट किया जाता है, ये जैना वेंटिलेटर की सेटिंग्स है, ठीक है। अब अगर आपको इसे पोज करना हो, यानी पेशेंट को वेंटिलेटर से हटाकर विनिंग मोड से किसी और प्रेशर मोड पे लेना है, किसी और मोड पे लेना है, या फिर आपको हाई फ्लो मास्क पे या नॉर्मल मास्क पे लेके आना है, तो इसको आप पोज कर सकते हो, पोज हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्ट पोज वेंटिलेशन टू गो टू स्टैंड बाई, सिलेक्ट वेंट कैंसिलेशन टू कंटिन्यू वेंटिलेशन, यानी दोनों ही चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल, ठीक है। तो इस तरीके से ये वेंटिलेटर की सेटिंग्स हम चेक करते हैं और ये जैना वेंटिलेटर है जो पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करता है एज एन आर्टिफिशियल लंग।